Okay, so hey guys, what's up? My name is Dipanshu and you're watching DB Technical World. आज की वीडियो में गाइस बात करने वाले हैं एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है मार्केट में, बट फिर भी उसकी सेल आज तक जबरदस्त है और बहुत धांसू तरीके से बिकता है। एंड अब तो प्राइस भी यार बहुत ज्यादा बजट में आ चुका है। पहले के अकॉर्डिंग बहुत अलग सा प्राइस था, 68,000 तक बिका है वो, एंड अब वो आ चुका है 38,999, बट कह सकते हैं कि ऑफलाइन मार्केट में लगभग 45,000 रुपए का है, तो आपको 41-42 का मिल जाता है। एंड अभी ये ऑनलाइन भी थोड़ा सा महंगा हो गया है, 41,999। एंड अगर आप मुझे ट्विटर फॉलो करते हो तो मैंने वहां बताया था कि ये स्मार्टफोन मैंने मंगाया है अपने डैड के लिए एंड मैंने उनको बर्थडे पे गिफ्ट किया था। ओ वाह, क्या बात है, न्यू एप्पल। कलर ठीक है पापा? कलर पसंद नहीं है? ठीक है, मैं क्या कहता। पापा सेंटी हो रहे। ऑन करो, ऑन करो, दबा के रखो पावर बटन। ऑन हो रहा है, चलता है ना, नकली तो नहीं दे दिया मैंने। अरे नहीं, ओरिजिनल है। आपका रिएक्शन क्या? ये थम्स अप। मम्मी नोटेड, आपका हो गया, मुबारक हो। एक्चुअली मैं उस समय दो स्मार्टफोन्स में कंफ्यूज था। मेरे डैड स्टार्टिंग से गाइस स्मार्टफोन चला रहे हैं सैमसंग का, पहले सैमसंग J2 सीरीज से, फिर J7, फिर J5 प्राइम, J6, मतलब उन्होंने J सीरीज ज्यादा चलाई है। उसके बाद हम शिफ्ट हुए सैमसंग सीधा नोट 8 पे एंड 3 साल से वो नोट 8 चला रहे हैं। एंड मैंने पहले सोचा था कि वाई नॉट गो फॉर नोट 20, क्योंकि उसका प्राइस भी यार 75,000 अप्रॉक्स से आके 45,000 हो चुका है। एंड 45,000 होने के बावजूद उसके ऊपर ऑफर्स वगैरह लग के वो 41-42 का पड़ता है। बट मैंने सोचा कि यार इस बार पापा थोड़ा सा अलग चलाएं तो ज्यादा मजा आएगा ना, तो इस बार मैंने उनके लिए iPhone 11 एंड उनका एक्सपीरियंस कुछ दिनों बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा कि उनका एक्सपीरियंस क्या है। तो अभी भी iPhone 11 वर्थ रखता है बाय करने के लिए, क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे ना iPhone 13 से, तो मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो चेंज हो चुकी है, बट बहुत सारी कॉमन चीजें जो आज भी बिल्कुल सेम है। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे लगा कि यार iPhone 11 में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा बेटर रहेगा इस समय, तो मैंने iPhone 11 बाय किया। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको जरूरत है कि दोबारा मैं इसके स्पेसिफिकेशंस आपको बताऊं, बट हां थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। मैं आपको बताता हूं कि iPhone 13 में और इसमें क्या-क्या डिफरेंसेस आते हैं, मेजर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला डिफरेंस तो गाइस आता है यहां पे इसकी डिस्प्ले। इसके अंदर आपको दी गई है IPS LCD डिस्प्ले एंड iPhone 13 में आपको मिलती है XDR OLED डिस्प्ले, तो सबसे मेजर डिफरेंस तो यही है। उसके बाद कैमरास में गाइस, उसमें भी 12-12 मेगापिक्सल के दो कैमरास हैं, इसमें भी 12-12 मेगापिक्सल के दो कैमरास हैं, जो कि बिल्कुल सेम ही लगते हैं मेरे को। फोटोज वगैरह क्लिक करके पता लगेगा, बट अभी iPhone 13 मैंने बाय नहीं किया है, iPhone 11 बाय किया, iPhone 13 देखते हैं कहीं से जुगाड़ हो पाया तो मैं जरूर से आपको कंपेयर करके बता दूंगा। बाकी सेंसर्स वगैरह तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सेम ही है। लुक वाइज देखा जाए तो एक कैमरा थोड़ा सा स्लाइड हो गया है, यहां पे इस तरफ शिफ्ट हो गया है, बाकी बैक साइड से भी ऑलमोस्ट सेम सा ही लगता है। थोड़ी सी थिकनेस यहां पे iPhone 13 की पतली है एज कंपेयर टू iPhone 11। एंड यस, एक और मेजर डिफरेंस है, दैट इज बायोनिक चिपसेट। इसके अंदर A13 है, क्योंकि ये 2019 में लॉन्च हुआ था, उस समय A13 सबसे लेटेस्ट चिपसेट था। आज लेटेस्ट चिपसेट हो चुका है गाइस A15 बायोनिक चिपसेट, एंड वो काफी ज्यादा तगड़ा एंड काफी ज्यादा स्पीडी है। वैसे मैंने एक 13 प्रो मैक्स का जुगाड़ करने का सोच लिया है कि मैं कहां से जुगाड़ करूंगा, एंड उनको आप जानते ही हो, बहुत जल्दी मैं उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह या कुछ रिव्यू वगैरह मैं लेकर आऊंगा। तो क्या आप चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। एंड एक और मेजर डिफरेंस आता है कि iPhone 11 4G सपोर्ट करता है, बट iPhone 13 यहां पे 5G सपोर्ट करता है, तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस हो जाता है। बाकी और भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, लाइक रेजोल्यूशन डिफरेंस iPhone 13 में आपको ज्यादा मिलता है। बाकी कैमरास तो गाइस बिल्कुल सेम है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें एक चीज डिफरेंट है कि iPhone 13 में आपको सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है, जो कि इसमें नहीं देखने को मिलती है, तो मतलब इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता है। बाकी सारे सेंसर्स वगैरह जो कैमरा के ऑलमोस्ट सेम है, बैंड्स वगैरह बिल्कुल सेम है, 4G तक के, 5G तो उसके अंदर एक्स्ट्रा ही है। तो अभी मुझे ऐसा लगा कि डैड को एंड्रॉइड से आईफोन पे शिफ्ट करने के लिए 11 ज्यादा बेटर रहेगा, तो मैंने अभी इसी को प्रेफर किया। एंड काफी सारी मैंने वीडियोस देखी थी, जैसे मैंने टैगी पाठशाला का देखा था कि उन्होंने कोई और कलर मंगाया था, बट कोई और कलर आ गया, बट मेरे साथ ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ, मैंने व्हाइट ही मंगाया था, मेरे को व्हाइट ही मिला है। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर भी चार्जर नहीं आता है, तो मैंने अलग से भी चार्जर नहीं मंगाया, क्योंकि मेरे पास आईपैड भी है एंड मेरे पास आईफोन 11 प्रो मैक्स जो मैं यूज कर रहा हूँ अपना, ये मेरे पास है ग्रीन कलर का, इसका भी है, बाकी 11 प्रो मैक्स और भी है, 11 भी पड़ा है, उन सबके चार्जर्स हैं जो मतलब पहले तो आते थे ना, अब नहीं आते, तो उसके है तो यूज कर लेंगे, तो एक्स्ट्रा लेने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। बाकी हाँ, कवर एंड टेम्पर्ड वगैरह मैंने लिया है डार्ट के लिए, तो वो काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी क्या है ना, नोट 8 थोड़ा सा इसके आगे लाइट वेट लगता है मेरे को, तो थोड़ा ये हैवी हो जाएगा,
गिरने विरने का डर रहता है, तो गिर वगैरह ना जाए ना, टूट टूट गया तो समझ रहे हो ना। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप लोग भी कोई एंड्रॉइड से आईफोन पर शिफ्ट हो रहा है तो आईफोन 11 आप अभी भी प्रेफर कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो भी आईफोन पर शिफ्ट हो रहे हैं वो आईफोन 11 को फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं, क्योंकि आईफोन 11 अभी सबसे बेस्ट प्राइस पे मिल रहा है। वैसे आईफोन 12 मिनी भी बहुत अच्छे प्राइस पे आया था, बट उसका साइज मुझे बहुत ज्यादा छोटा लगता है तो मैंने उसको प्रेफर नहीं किया। जिस समय मैं ये बाय कर रहा था 38999 का, मेरे को इसका प्राइस पड़ा था, मतलब ये काफी टाइम से आया हुआ स्मार्टफोन जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, मुझे बहुत टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने में। और बहुत सारे स्मार्टफोन आए हुए थे यार, एंड बहुत सारी चीजें और भी आई हुई है, स्टूडियो टूर भी करना है, पता नहीं क्या क्या करना है मेरे को। अभी के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, एक चीज मैं कर लेता हूँ जो की है ये, तो बस अब इसको मैं सेटअप कर दूंगा एंड दे दूंगा डैड को। कुछ दिनों बाद मैं अपने डैड से इसका एक्सपीरियंस पूछूंगा और उन्हीं की जुबानी आपको सुनाऊंगा कि कैसा लगा उनको एंड्रॉइड से आईफोन पे शिफ्ट हो गया एंड कुछ चेंजेस महसूस हुए या नहीं हुए, आपको जरूर से बताऊंगा। क्यूरियोसिटी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करके जाना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई नए रिव्यूज कंपैरिजन एंड अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए गाइस, दिस इज दीपांशु भेल, जय हिंद। एक सेकंड, Realme GT Neo 2 के साथ कंपेयर करें क्या? बताना जरूर मुझे।